Hi everyone, welcome back to our YouTube channel StudyBand. सो गाइज लास्ट लेक्चर में वी डिड एम सी क्यूज ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा और अगर किसी ने नहीं देखा है या फिर कोई चैनल पे न्यू है तो वो प्ले में जाके देख सकता है ओके okay, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एम सी क्यूज ऑन द टॉपिक बजटरी कंट्रोल चलिए लेट स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट

सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज जीरो बेस्ड बजट जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में हमने पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि हम उसमें इस तरह से बजट बनाएंगे कि हम प्रीवियस ईयर के डेटा को कंसिडर नहीं करेंगे कुछ भी नहीं देखेंगे कि हमने पुराने सालों में किस तरह से बजट बनाया या फिर किस बजट का कितना अमाउंट है जीरो बेस्ड बजटिंग में इट विल नॉट मैटर कि पुराना बजट हमारा ज्यादा अमाउंट का था या लेस ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर हमने कुछ बजट रखा था टेन का और इस बार हो सकता है उसका पांच का हो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो जीरो इस बजट 2000 का हो या फिर एकदम से रैंडम इंक्रीज में भी 20000 का हो तो ये क्या होगा कि आप पुराने ईयर्स को कंसीडर नहीं करते हैं हर साल नया बजट बनाते हैं इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर्स फिगर्स मीन्स हम बेस ईयर को जीरो मानते हैं पुराना ईयर हम कंसीडर ही नहीं करते वी डू द फ्रेश स्टार्ट हम सब कुछ स्क्रैच से करते हैं स्टार्टिंग से करते हैं इसीलिए हम जीरो बेस्ड बजटिंग को स्क्रैच बजटिंग भी कहते हैं क्लियर है बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं ये है फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबल बजट के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था दैट वी विल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हम हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट डिसाइड करेंगे लाइक like, हम बोलेंगे कि अगर हमने टेन थाउजेंड यूनिट्स बनाए तो इसका इतना बजट आएगा जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा अगर हमने ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हमारा इतना बजट आएगा थर्टीन थाउजेंड किए तो इतना बजट आएगा मीन्स हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए अलग अलग बजट हम बनाते हैं ये ओवरऑल हम इसको कहते हैं फ्लेक्सीबल बजट और इंडिविजुअली बात करें तो मैंने आपको क्या बोला था दैट दे विल बी फिक्स्ड बजट फिक्स्ड है ना हमें पता है दस हजार यूनिट्स होंगे तो इतना ही अमाउंट होगा इट विल नॉट चेंज तो हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सीबल बजट क्या होता है इट इज ऑफ़ फिक्स्ड बजट्स बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप इसका लेक्चर देख सकते हैं उसमें मैंने यही चीज़ आपको काफ़ी डिटेल में समझाई थी ओके okay, क्लियर है फ्लेक्सिबल बजट देन टोटल बजट ऐसा हमने कोई बजट पढ़ा ही नहीं देन टॉकिंग अबाउट द मास्टर बजट मास्टर बजट का दूसरा नाम क्या होता है मैंने आपको बताया था इट इज़ नोन एज समरी

फॉर्म में बनाते हैं क्या बन जाता है वो एक मास्टर बजट क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे था हमारा ऑप्शन डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ बजट इज नोन एज ऑप्शन ए बजट ऑप्शन बी बजटिंग ऑप्शन सी बजटरी कंट्रोल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बजट की डिजाइनिंग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्लानिंग करते हैं या फिर उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ भी जो करते हैं वैसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दैट इज़ नोन एज बजटिंग याद है क्योंकि बजट क्या होता है ये एक आपका प्लान होता है प्लान ऑफ एक्शन कि आपने एक बजट बना दिया से एक फिगर अपनी तरफ से एस्टिमेशन लगा दी कि यस इस अमाउंट के आसपास हमारा खर्चा होगा या फिर हमारी इनकम होगी तो ये जो बजट हमने प्रिपेयर करना है ये फिगर्स जो हमने फाइंड आउट करनी है इसको डिज़ाइन करना है प्रॉपर बजट किस तरह बनेगा फिर फर्दर कैसे इंप्लीमेंट करना है जो भी प्रॉपर प्लानिंग है या आगे फर्दर कैसे ऑपरेट होगा एग्जीक्यूट होगा ये सब ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बजटिंग सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बजट का मीनिंग आपको क्लियर है देन टॉकिंग अबाउट द बजटरी कंट्रोल ये क्या होता है एक कंट्रोलिंग मेजर है जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमने अपना बजट सपोज टेन सेट कर रखा था बट एक्चुअल में हमारी कॉस्ट बारह की पड़ गई तो टू का डिफरेंस आ गया

ओके ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने यही चार बजट्स क्लासिफाई करे थे फ़िक्स्ड शॉर्ट टर्म करंट एंड रोलिंग अब कौन सा ऐसा बजट है जिसको हम प्रोग्रेसिव बजट भी कहते हैं तो अगर आपको याद हो दैट इज रोलिंग बजट ऑप्शन डी रोलिंग बजट में मैंने आपको क्या बताया था चलिए पहले हम फिक्स बजट की बात कर लेते हैं फिक्स बजट में मैंने आपको बताया था जो बजट हमारा लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है से इट कैन टेक फाइव टू टेन ईयर्स इतने ज़्यादा सालों के लिए जो बजट हम डिसाइड कर रखते हैं दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड बजट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म बजट ये क्या होता है ये लेस देन फाइव ईयर्स होता है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है टॉकिंग अबाउट द करंट बजट करंट बजट क्या होता है जो हम शॉर्ट टर्म बजट को अचीव करने के लिए बजट डिसाइड करते हैं दैट इज़ नोन एज करंट बजट लाइक like, अगर आपने सोचा है कोई भी बजट अचीव करना है विद इन फाइव ईयर्स अब उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट सेट आउट करने पड़ेंगे ना कि यस इस साल हम ऐसा करेंगे इस साल ऐसा करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेट करेंगे शॉर्ट टर्म बजट को अचीव करने के लिए मीन्स एक शॉर्ट बजट बनाएंगे शॉर्ट टर्म बजट से भी छोटा बजट दैट विल बी दी करंट बजट ओके देन रोलिंग बजट क्या होता है रोलिंग बजट को मैंने आपको बता दी इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव बजट और इसको हम क्या कहते हैं ये भी आप याद रखेंगे मैंने आपको बताया भी था इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस बजट इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रोलिंग बजट में होगा क्या सपोज आपने फर्स्ट मंथ में बस डिसाइड करा आगे की नहीं सोची बस इतना सोचा कि टेन थाउजेंड हमारा बजट रहेगा इस बार के लिए जैसे ही आपका वन मंथ के लिए बजट डिसाइड हुआ खत्म हो गया इस टारगेट को आपने अचीव कर लिया आपने सोचा चलिए इस बजट को फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं फॉर फाइव मंथ्स कोई भी कितने भी मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर लो या ईयर के लिए बट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है मीन्स मंथली ही हम एक्सटेंड करेंगे हम बोल सकते हैं क्वार्टरली भी ठीक है तो क्या है टेन से अब हमने सोचे कि वन मंथ के लिए टेन

Fourth question If the actual level of activity is different from the budgeted activity, then which of the following budget will become useless? ऑप्शन ए स्टैटिक बजट ऑप्शन बी रोलिंग बजट ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल बजट और ऑप्शन डी वेरिएबल बजट अगर हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स जो सच में हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन करी मीन्स एक्चुअल में जितने हमने से कोई भी यूनिट्स प्रोड्यूस करे वो अगर डिफरेंट हुए फ्रॉम दी बजटेड एक्टिविटी जो हमने बजट में डिसाइड कर रखा था सपोज हमने बजटेड एक्टिविटी डिसाइड कर रखी थी कि हम टेन थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे बट जब हमारी एक्चुअल हुई एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन करी तो अब हमें पता लगा हमारे ट्वेल्व थाउजेंड प्रोड्यूस हो गए टू थाउजेंड एडिशनल हुए और ये हमने बजट बना रखा था किस चीज़ के लिए टेन थाउजेंड यूनिट्स के लिए पर हमने एक्चुअल में तो ट्वेल्व थाउजेंड का करा और टेन थाउजेंड के लिए हमने कुछ बजट रखा होगा सपोज हमने सोचा था टेन थाउजेंड यूनिट्स के लिए हमारे रुपीज वन लैख लग जाएंगे अब उसको अब हमारे लिए ये यूजलेस हो गया ना क्योंकि टेन थाउजेंड हमने सेट कर रखा था अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते चेंज किसको नहीं कर सकते दैट विल बी दी फिक्सड बजट तो फिक्सड बजट जो है वो यूजलेस बन जाता है क्योंकि एक्चुअल में हमने बारह यूनिट्स को कंपेयर करना था जो हमारी बजटेड एक्टिविटी होती पर हमारा बजट बना सिर्फ दस का एक्चुअल में हुआ बारह हजार तो अल्टीमेटली हमारा फिक्सड बजट जो हमने डिसाइड कर रखा होगा वो क्या हो जाएगा यूजलेस हमारे लिए वो काम ही नहीं आएगा देअर फोर इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए फिक्सड बजट का ही दूसरा नाम होता है स्टैटिक बजट बाकी मैंने आपको रोलिंग बजट का भी बता दिया मीनिंग देन टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सीबल बजट ये भी बता दिया देन वेरिएबल बजट भी गलत हो जाएगा सो so, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए चलिए नेक्स्ट वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट द कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसा बजट जिसमें हम कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसका आंसर क्या होगा दैट बजट इज नोन एज वेरिएबल बजट आपको याद रखना है वेरिएबल बजट ही दूसरा किसका नाम है इट इज़ अनदर नेम फॉर फ्लेक्सीबल बजट अभी मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बताया कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए बजट डिसाइड कर लेते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट अगर इंडिविजुअली बात करें तो उनको हम फिक्स्ड बजट कहेंगे ओवरऑल बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल बजट ओके और यही बजट्स हम जो हम देख रहे हैं कि टेन थाउजेंड यूनिट्स के लिए इतना अमाउंट आएगा ट्वेल्व के लिए इतना है थर्टीन के लिए इतना फर्दर हम फ्लेक्सिबल बजट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि फिक्सड कॉस्ट के लिए इतना होगा वेरिएबल के लिए इतना होगा और सेमी वेरिएबल के लिए इतना होगा जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स होंगे तो किस बजट में हम क्लासिफिक करते हैं कॉस्ट की इन दी वेरिएबल बजट और वी कैन से फ्लेक्सिबल बजट देन स्टैटिक बजट और फिक्स बजट एक ही हुआ और करंट बजट का भी मीनिंग आपको मैंने क्लियर कर दिया तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या है द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑप्शन बी दैट इज वेरिएबल बजट देन नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी ऐसा कौन सा बजट है जिसको हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट स्टैटिक बजट क्या हुआ फिक्स्ड बजट अभी मैंने आपको बताया दैट इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट दैट इज ऑप्शन ए क्लियर है चलिए नेक्स्ट वन फंक्शनल बजट्स आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए ऑपरेटिंग बजट्स ऑप्शन बी कंटिन्यूस बजट्स ऑप्शन सी सेल्स बजट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अब हमने मैंने आपको बताया हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स बने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में एक हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी टाइम के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड हो गया करंट हो गया रोलिंग हो गया और शॉर्ट टर्म हो गया एन टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट बजट्स होते हैं सेल्स बजट होता है परचेज बजट होता है प्रोडक्शन बजट होता है लेबर बजट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होता है तो ये सारे बजट्स को हम ओवरऑल बोलते हैं फंक्शनल बजट्स क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है तो उनका अपना काम है परचेज के लिए अलग होगा प्रोडक्शन के लिए अलग होगा लेबर के लिए अलग होगा तो ये अपने अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं हम फंक्शनल बजट्स को ऑपरेटिंग बजट्स भी कहते हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है ओके तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना तरीका होगा ऑपरेट करने का तो फंक्शनल बजट बोलो या ऑपरेटिंग बजट बोलो वन एंड दी सेम थिंग देन फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हमने क्या पढ़े थे इट कैन बी फिक्स्ड बजट और इट कैन बी फ्लेक्सिबल बजट ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कंटिन्यूस बजट क्या होता है ये भी हमने पढ़ा रोलिंग बजट होता है और सेल्स बजट क्या होगा जिसमें हमने सेल्स के अमाउंट को एस्टिमेट कर रखा होगा तो यहाँ पे था हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन एट इज़ आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल अदर फंक्शनल बजट्स ऐसा कौन सा बजट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं जब सारे बाकी फंक्शनल बजट्स बन जाते हैं ऑल अदर मीन्स सेल्स बन जाएगा परचेज बन जाएगा देन इन एंड एक और फंक्शनल बजट बनता है उसका क्या नाम है दैट इज नोन एज कैश बजट क्योंकि फंक्शनल बजट्स में मैंने आपको बताया सेल्स की भी बात है परचेज है लेबर है प्रोडक्शन है अभी मैं ये चार के एग्जांपल्स ले रही हूँ अदरवाइज हमने और भी पढ़े थे तो सेल्स बजट में हम डिसाइड करें कि हमारा कितना कैश इनफ्लो होगा पैसे आने की बात है परचेज में हम देखेंगे कितना आउटफ्लो होने वाला है ठीक है लेबर बजट में भी एक तरह से हम देखेंगे कितना आउटफ्लो होगा क्योंकि उनको हमने पेमेंट करनी है प्रोडक्शन बजट में भी खर्चा होगा भी इनफ्लो भी होगा कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम आउटफ्लो ही होगा और कैश बजट जो होता है इसमें भी हम क्या देखते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश अगर हमने कैश बजट इन किसी भी बजट से पहले बना दिया तो तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस क्यों क्योंकि बजट मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कहीं पे इनफ्लो होगा कहीं पे आउटफ्लो होगा अगर इन ही दो के बाद हमने कैश बजट बना दिया सपोज अभी लेबर और प्रोडक्शन नहीं बनाया तो कैश बजट प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा ना क्योंकि अभी कुछ आउटलोज और पेंडिंग थे जिसको हमने नोट no डाउन नहीं करा तो इट विल बी बेटर कि इसको सबसे लास्ट में बनाएं जब बाकी सारे फंक्शनल बजट्स बन जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सेल्स बजट आपको मैंने क्लियर कर दिया परचेज हो जाएगा परचेज कितनी करनी है उसके हिसाब से बजट डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन हो जाएगा कि कितनी प्रोडक्शन करनी है डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की हमने कितना सेल करना है कितना परचेज करना है आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है एंड येस इन दी लास्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा एंड प्लीज अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है सेशन अच्छे से समझ आ रहा है वीडियो को लाइक भी कर देना ओके देन नेक्स्ट वन हेमरी ऑफ ऑल दी फंक्शनल बजट इज नोन एज अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी फंक्शनल बजट्स होते हैं सेल्स परचेज या जो भी इनको जब हम कंबाइन करके एक सेपरेट जगह पर ले जाते हैं एक अलग से बजट बन जाता है दैट इज नोन एज मास्टर बजट तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओके ऑपरेटिंग बजट्स मैंने आपको बताया ये भी फंक्शनल बजट्स ही होते हैं देन पर्सनल बजट क्या होते हैं इट इज अनदर नेम फॉर लेबर बजट क्लियर देन नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब इन ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है ऑप्शन ए बजट शुड बी रियलिस्टिक एंड रीजनेबल अब आपको याद हो तो हमने पढ़े थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजट या सिंपल बात करें फीचर्स ऑफ बजट बजट कब अच्छा होगा जब वो रियलिस्टिक होगा रीजनेबल होगा मीन्स दैट विल बी अटेनेबल रीजनेबल लगेगा सुनने में भी, भी yes, कि येस ये बजट हम अचीव कर सकते हैं इतना टारगेट सेट किया तो दैट विल बी जेन्यन लाइक मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बिजनेस ही स्मॉल स्केल पे काम करता है इतनी उसके लगता नहीं है कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि फर्दर इतना सेल होगा उस बिजनेस का तो क्या है अगर आप ये सोच के बैठ जाए कि यस हम एक महीने में एक करोड़ की सेल कर देंगे तो वो इम्पॉसिबल है ना रियलिस्टिक तो नहीं लग रही है ना ही रीजनेबल लगता है वो चीज़ तो बजट हमने इस तरह बनाना है कि वो रियलिस्टिक भी हो और रीजनेबल भी हो सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट उन्होंने यहाँ पे पूछा है आपको इनकरेक्ट क्या है तो ये आंसर नहीं होगा दैन नेक्स्ट वन बजट शुड बी स्टैटिक बाय नेचर कह रहे हैं कि बजट स्टैटिक

देन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं बजट शुड बी प्रॉपरली प्लान एंड कम्युनिकेटेड यस yes, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए बजट की और उनको आगे फर्दर अपने एम्प्लॉये कोई भी रिस्पेक्टिव यूजर होगा हमारे बिजनेस में उनको कम्युनिकेट कर देना चाहिए देन बजट शुड बी उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम इवेल्युएशन भी करते रहना चाहिए ओके सेल्स बजट इज ऑप्शन ए ऑपरेशनल बजट ऑप्शन बी मास्टर बजट ऑप्शन सी कैश बजट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो सेल्स बजट क्या होता है हमारा ऑपरेशनल बजट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि ऑपरेशनल बजट ही दूसरा किसका नाम है फंक्शनल बजट का टॉकिंग अबाउट दी मास्टर बजट मास्टर बजट में ये सारे फंक्शनल बजट्स एक साथ क्लब करके आ जाते हैं देन कैश बजट क्या है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शनल बजट जो सबसे लास्ट में बनता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ऑल अदर फंक्शनल बजट्स तो यहाँ पे सेल्स बजट एक तरह से बोल रहे हैं कि किसकी कैटेगरी मानी जा सकती है दैट इज ऑफ ऑपरेशनल बजट देन नेक्स्ट वन बजट इज प्रिपेयर फॉर ऑप्शन ए डेफिनेट पीरियड ऑप्शन बी वन ईयर ऑप्शन सी सिक्स ईयरस और ऑप्शन डी इनडेफिनेट पीरियड तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला तो कि बजट हमेशा हम डेफिनेट पीरियड के लिए ही बनाते हैं ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वन ईयर का ही बनेगा या सिक्स ईयर का बनेगा इट विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स्ड बजट बिकम यूजलेस व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज अभी हमने पढ़ा कि फिक्स्ड बजट ही है जो यूजलेस बन जाता है कब हमारे काम का नहीं रहता जब हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाएगी इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज सो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ये भी हो सकता है कि हमने एक्चुअल में आउटपुट्स जो हमारी यूनिट्स आई वो लेस होंगी एज कम्पेयर टू बजटेड एक्टिविटी या हो सकता है वो उससे ज्यादा भी होंफर इट कैन भी इंक्रीज और डिक्रीज जब भी इंक्रीज होगी लेवल ऑफ एक्टिविटी या डिक्रीज हो जाएगी ये लेवल ऑफ एक्टिविटी किसकी बात करें जो हमने एक्चुअल में अटेन करी होगी अगर वो ही चेंज हो गई इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई तो अल्टीमेटली हमारा फिक्सड बजट भी क्या बन जाएगा यूजलेस हो जाएगा क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्टिंग ऑप्शन बी आउटपुट कॉस्टिंग ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्टिंग तो आपको मैंने अभी मीनिंग क्लियर करा बजटरी कंट्रोल का क्या होता है इसमें जो हमारी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं विद दी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी जो हमने बजट डिसाइड कर रखा होता है अगर इन दोनों में वेरिएशन आती हैं ये प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस चल रहा है इसी को हम क्या कहेंगे बजटरी कंट्रोल और बजटरी कंट्रोल एक तरह से किस चीज़ की हेल्प करता है कौन सी कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है तो मैंने इसका आपको बताया था दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट इसी से ही रिलेटेड है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी क्या करते थे हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते थे देन इन दी एंड वी परफॉर्म देरियंस एनालिसिस हम वेरियंसिस को फाइंड आउट करते थे देन मार्जिनल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ी थी जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी मार्जिनल कॉस्टिंग को ही हम वेरिएबल कॉस्टिंग कहते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी ओके okay, अब आपके लिए होमवर्क है आप मुझे बताएंगे जो आउटपुट कॉस्टिंग है इसका दूसरा नाम क्या है ये जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग बताई थी वहाँ पे मैंने आपको चीज़ क्लियर करी थी आउटपुट कॉस्टिंग जो होता है एको नाम से नहीं जाना जाता दो और नाम होते हैं इसके लिए सो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताएंगे वट आर द टू अदर नेम्स फॉर दी आउटपुट कॉस्टिंग तो इज yeah. इस टास्क फॉर यू जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे ओके देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज आस्किंग अबाउट सेल्स बजट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑप्शन बी मॉनिट्री टर्म्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अब सेल्स बजट में हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने कितने सेल्स करेंगे कितने अमाउंट की हमें सेल होगी और कितने यूनिट हम सेल करेंगे तो हम एक तरह से चीज़ की क्वान्टिटी का भी पता कर सकते हैं कि कितनी क्वान्टिटी है उसकी और कितने रुपीज़ में होगा वो चीज़ वो हमें पता लग जाता है सेल्स बजट

सी ये भी काफ़ी इजी था और ये जो है ऑप्शन ए समरी बजट अभी मैंने आपको बताया कि मास्टर बजट का ही दूसरा नाम क्या होता है समरी बजट क्योंकि यहाँ पे हम सारे फंक्शनल बजट्स की समरी बना लेते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन सी फंक्शंस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस अभी मैंने आपको बताया कि बजट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं टाइम के बेसिस पे भी फ्लैक्सिबिलिटी पे भी और फंक्शंस के भी बेसिस पे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज देन क्वेश्चन नंबर एटीन अ बजट शुड बी ऑप्शन ए रिजिड ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ डीज तो अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजट जिसमें से एक ये होता है कि हमारा बजट हमेशा क्या होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम सर्कम स्टांसेज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाए रिजिड नहीं होना चाहिए मीन्स फिक्सड फिक्स नहीं होना चाहिए ना ही स्टैटिक होना चाहिए सारी एक ही टर्म्स है तो कभी भी बजट रिज़िड नहीं होना चाहिए वो यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए काम का ही नहीं रहेगा वेरिएशन आएंगे हमारे आउटपुट में तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो दैट विल बी प्रेफरेबल कि हमारा बजट हमेशा क्या हो फ्लेक्सीबल हो ओके देन नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न बजटिंग टेक्निक अब हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी बजटिंग की यही चार थी वेरियंस एनालिसिस जीरो बेस्ड बजटिंग एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अब कह रहे हैं इन सब टेक्निक्स में से कौन सी है जो मॉडर्न बजटिंग टेक्निक है तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वेरियंस एनालिसिस एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये तीनों टेक्निक्स हमारी होती हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड ओनली दीरो बेस्ड बजटिंग इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ बजटिंग तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वेरियंस एनालिसिस में हमने पढ़ा गया था हम ये देख लेते हैं वेरियंस एनालिसिस में यही बताया था कि हम एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करते हैं देन इन दी एंड जो डिफरेंस आता है दैट इज़ नोन एज उसको हम वेरियंस भी कह सकते हैं वेरिएशन हो गई ना डिफरेंस आ गया तो हम वेरियंस एनालिसिस में यही चीज़ परफॉर्म करते हैं एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करते हैं ताकि फ्यूचर में हम प्रिकॉशंस ले पाएँ देन टॉकिंग अबाउट द जीरो बेस्ड बजटिंग ये चीज आपको मैंने पहले ही क्लियर दी, दी फर्स्ट क्वेश्चन देन एडजस्टमेंट ऑफ़ फंड्स इस टेक्निक में क्या होता है हम फंड्स की एडजस्टमेंट करते हैं इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, थी जब मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया था कि लेट्स से आपने किसी प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है रुपीज टू लैख की बट एक्चुअल में जब हमने इस प्रोजेक्ट के लिए काम करा जब इसको इंप्लीमेंट करा तो सही में हमारी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट फाइव लैक हुई मीन्स फिफ्टी थाउजेंड स्टिल हमारे पास सरप्लस पड़ा है एंड ऑन दी अदर साइड वी आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट वाई और ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट वाई में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास अमाउंट तो है सफिशेंट बट थोड़ा सा डिफिशट हो रहा है थोड़ा सा हमें पैसा कम पड़ रहा है और लेट्स से वो है भी यही कि पचास हजार ही कम पड़ रहे तो एक जगह पर हमने नोटिस करा कि जो प्रोजेक्ट एक्स था उसको हमने कंप्लीट कर दिया स्टिल हमारे पास फिफ्टी थाउजेंड का सरप्लस है तो यही फिफ्टी थाउजेंड के सरप्लस को हम प्रोजेक्ट वाई में शिफ्ट कर सकते हैं एडजस्ट कर रहे हैं एक तरह से तो सो दैट टेक्निक इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स काफ़ी इजी थी ये वाली टेक्निक में देन टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसमें हमने क्या देखा था कि हम थ्री सेंटर्स क्रिएट कर देते हैं दैट इज कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड इन सेंटर्स के बेसिस पे ये एक तरह से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं इन तीनों सेंटर्स के बेसिस पे हम अपने एम्प्लॉयज को भी क्लासीफाई कर देते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग काम एलोकेट कर देते हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं देन इन दी एंड वो अकाउंटेबल होते हैं रिजल्ट बताने के लिए कि उन्होंने क्या करा और लास्ट में उनको एनकरेज करने के लिए हम रिवॉर्ड सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन करते हैं तो दैट टेक्निक इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी क्लियर है आई होप आपको सब चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी दोबारा से जितना भी हमने पढ़ रखा था ओके देन नेक्स्ट वन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लेबर कॉस्ट एंड द बजटेड लेबर कॉस्ट इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए एक्चुअल कॉस्ट वेरियंस ऑप्शन बी लेबर वेरियंस ऑप्शन सी मटीरियल वेरियंस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यही जब हमने वेरियंस एनालिसिस के बारे में पढ़ा था मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअल और बजट में जब डिफरेंस आएगा तो वो एक तरह से क्या है हमारा वेरियंस है अब आप खुद सोचिए कितना ईजी है जब एक्चुअल लेबर कॉस्ट में डिफरेंस आएगा जब कंपेयर करेंगे विद द बजटेड लेबर कॉस्ट लेबर लेबर की बात है ना तो डिफरेंस भी क्या होगा लेबर वेरिएंस तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगर यहाँ पे होता डिफरेंस बिटवीन दी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट तो उसका आंसर क्या होता है मटेरियल वेरिएंस तो जैसी कॉस्ट होगी जो कॉस्ट का नाम होगा वही वेरिएंस भी हमारा बन जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ बजटरी कंट्रोल थ्री सेंटर्स आर क्रिएटेड अभी हमने देखा ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें तीन सेंटर बनते हैं दैट इज कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द कैश बजट अब आपको कैश बजट में पता है सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड चीजें आएंगी इट कैन बी फॉर द इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ भी हो सकता है पर होना क्या चाहिए वो कैश में होना चाहिए नॉन कैश वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अब इन ऑप्शन में से जो आपको दिए रखे हैं इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम कैश बजट पर इंक्लूड करेंगे और कैश बजट में हम उसी को इंक्लूड करेंगे जो कैश में होगी चीज़ अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन तो पहला है अमोटाइजेशन ऑफ एसेट्स सेकेंड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स ऑप्शन सी डिविडेंड्स और ऑप्शन डी गुडविल तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अब आप खुद भी अपने कॉमन सेंस लगा के सोच सकते थे आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है इट इज़ अ non cash एक्सपेंस चाहे हम इसको बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं बट इसका सही में मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू जब डिक्रीज होती है विद इट्स रेगुलर यूज तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एक्चुअल में तो खर्चा नहीं कर रहे पर हम उसको मान के चलते हैं कि वो हमारे लिए एक तरह से खर्चा है क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू गिर रही है तो वो होता है नॉन कैश एक्सपेंस तो जो नॉन कैश चीज़ें हैं वो कैश बजट में तो नहीं आएंगी तो ये कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन बी तो नहीं होगा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स अब आप सोचेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है तो आपको याद रखना है कि जो डेप्रीसी होती है। फर्नीचर फिक्सर like हो, हो गया जो भी हम एसेट को टच कर सकते हैं जिसकी फिजिकल फॉर्म होती है ये हमने कितनी बार पढ़ ली है Then, amortization of assets, amortization किस पे लगती है इट इज चार्ज ऑन दी इन टेंजिबल एसेट्स देखा जाए तो दोनों डेप्रिसिएशन ही है बट एक में क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स पे लगती है लाइक ऑन दी पेटेंट्स हो गया ये सब गुडविल वगैरह और डेप्रिसिएशन लगती है ऑन द टेंजिबल एसेट्स तो ये भी नॉन कैश है डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है और गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है यहाँ पे कैश नॉन कैश की बात होगी नहीं क्योंकि इसमें इनफ्लो आउटफ्लो तो नहीं हो रहा नॉर्मल बोला उन्होंने गुडविल तो ये आंसर नहीं होगा देन टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड्स डिविडेंड्स हम पे करते हैं कैश में करते हैं ना सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी कैश बजट गुडविल तो इनफैक्ट in इंटेंजिबल होता है और सच में तो इसकी एग्जिस्टेंस होती नहीं है हम खुद इसकी वैल्यूएशन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने सीखा ना पार्टनरशिप वाले टॉपिक में Hence, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेट्स वाइंड अप एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आज का एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और अगर कोई चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे आने वाले अपडेट्स मिस ना कर पाए ओके सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो थैंक यू